हेलो गाइस, सुनते हैं कुछ किस्से गार्डनिंग के। यह है पेपरोमिया प्लांट, इसे बेबी रबर प्लांट भी कहते हैं। इसके लीव्स रबर प्लांट के लीव्स के जैसे थिक और सकलेंट होते हैं। यह प्लांट 3 कलर्स में आता है। ये लीव्स के जो शेड्स है ये 3 कलर के होते हैं, डार्क ग्रीन, येलो और व्हाइट। इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखे तो ये अच्छी तरह से ग्रो होता है, और इसे हफ्ते में 1 या 2 बार पानी देना सफिशियंट है। इस प्लांट को मैंने पिछले साल नर्सरी से खरीदा था। यह प्लांट मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। यह पहले इसकी हाइट बहुत कम थी, छोटा सा था यह जब मैंने इसे खरीदा। अब ये काफ़ी बढ़ गया है। मेरे पास इसका एक ही पौधा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसे प्रोपोगेट करूँ। इस प्लांट को हम 2 तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं, एक तो इसके लीव्स से और दूसरा इसके स्टेम्स से, और 2 तरीके के मीडियम में भी हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, एक तो पानी में और दूसरा सॉइल में। तो आज हम दोनों तरीके से भी इसे प्रोपोगेट करेंगे। स्टेम में जहाँ पर लीव्स लगे होते हैं उस पार्ट को कहते हैं नोड। ये नोड है, ये नोड है, और जो 2 नोड्स के बीच की जो जगह होती है इसे कहते हैं इंटरनोड। तो हम इसे प्रोपोगेट करने के लिए ये जो 2 नोड्स के बीच की जगह है, ये और ये, यहाँ से हम इसे कैंची से कट करेंगे। इस तरह इसे मैंने कट कर दिया। यह स्टेम हमने कट कर दिया है। अब इसे प्रोपोगेट करने से पहले हम इसके निचले कुछ लीव्स को हटा देते हैं और सिर्फ ऊपर के कुछ 2 या 3 लीव्स रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से प्रोपोगेट हो सके। तो मैं अब इस लीव्स को हटा देती हूँ। इस स्टेम के ये निचले हिस्से के मैं कुछ लीव्स हटा दे रही हूँ इस तरह से। इन्हीं लीव्स को हम प्रोपोगेट करने के लिए यूज करेंगे इस तरह से। इस स्टेम को यहां पर एक ऐसी छोटी सी ब्रांच थी तो मैंने इसे यहां से तोड़ दिया है। अब हमारे पास ये 2 ब्रांचेस हो गई है। अब मैं इस स्टेम कटिंग को पानी में रख देती हूँ इस तरह, और ये जो दूसरा स्टेम कटिंग है इसे मैं सॉइल में लगाती हूँ इस तरह, इस तरह सॉइल में। ये सॉइल सकलेंट सॉइल और गार्डन सॉइल का मिक्सचर है। अभी हमने स्टेम को प्रोपोगेट करने के लिए रखा है, उसी तरीके से हम इन लीव्स को भी पानी में इस तरह से रख देंगे। पानी में रख दिया और इन लीव्स को हम इस तरह से सॉइल में लगा देंगे। इस तरह से हमने पेपरोमिया के लीव्स और स्टेम को सॉइल में और पानी में दोनों तरह से प्रोपोगेट करने के लिए रख दिया है। इसे रूट्स ग्रो होने में कम से कम 3 या 5 हफ्ते लग सकते हैं। तब तक हमें इसकी सॉइल हमेशा चेक करते रहना चाहिए। इसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ड्राई भी नहीं,
ये हमेशा वेट होनी चाहिए, इसकी सॉइल गीली होनी चाहिए। और ये जो हमने पानी में रखा है इसका पानी हमें बदलते रहना चाहिए। तो 3 हफ्ते के बाद मैं इन स्टेम्स और लीव्स को चेक करूंगी कि इसमें रूट्स आए हैं क्या। अगर इसमें अच्छी तरह से रूट्स आ गए होंगे तो मैं इसे दूसरे गमले में, मिट्टी वाले गमले में मैं इसे शिफ्ट कर दूंगी। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपको अगर मेरा चैनल पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।